गए। कृषि कार्य हो तो समुचित रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए 11 केवी कृषि एवं गैर कृषि ग्रामीण फीडरों के पृथकीकरण योजना के अंतर्गत लक्षित 2227 तक फीडरों का पृथकीकरण पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में स्थापित होने वाली तापी उत्पादन परियोजनाओं तथा यथा घाटमपुर ओबरा सी व जवाहरपुर से ऊर्जा निकासी हेतु लगभग 7076.37 करोड़ रुपए की पारेषण परियोजनाओं का निर्माण पीपीपी पद्धति से कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 4081.23 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा शेष निर्माणाधीन है। वर्ष 2019-20 में औसतन उत्पादन उपलब्धता 3766 मेगावाट प्रतिदिन, वर्ष 2020-21 में औसत उत्पादन उपलब्धता 3816 मेगावाट प्रतिदिन तथा वर्ष 21-22 में औसत उत्पादन उपलब्धता 3998 मेगावाट प्रतिदिन रही है। 2x660 मेगावाट जवाहरपुर तापी परियोजना, 2x660 मेगावाट ओबरा सी तापी विस्तार परियोजना एवं 1x660 मेगावाट पुंज की तापी परियोजना का आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण होना एवं उत्पादन कार्य प्रारंभ होना लक्षित है। पारेषण तंत्र की क्षमता जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावाट थी को वर्ष 2021-22 में 28,000 मेगावाट तक किया गया। इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 तक बढ़ाकर 30,806 मेगावाट तक किया जाना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50% की छूट प्रदान की गई थी, जिसे लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गई घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड में स्थापित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए केंद्र सरकार तथा जर्मनी की संस्था KFW की सहायता से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड परियोजना के अंतर्गत पारेषण तंत्र के निर्माण हेतु 1554 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस परियोजना को 3 वर्षों में पूर्ण किया जाना लक्षित है। विद्युत वितरण क्षेत्र की कुशलता एवं क्षमता वृद्धि हेतु केंद्र सरकार की सहायता से रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 6500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विद्युत प्रकाश और शक्ति का स्रोत है, यह वह शक्ति है जिसके अभाव में नगर अंधकारमय और समाज गति शून्य हो सकता है। इसीलिए हमारी सरकार ने ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा, जब तलक भी मेरी इस पलकों पे दिए हैं रोशन, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। नीति के अंतर्गत सरकारी एवं निजी भवनों पर 6,000 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना, 14,000 मेगावाट क्षमता यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनाओं सोलर पावर पार्क की स्थापना कराई जाएगी, 2,000 मेगावाट क्षमता पीएम कुसुम योजना अंतर्गत निजी ऑन ग्रिड पंप का सोलराइजेशन एवं पृथक कृषि विद्युत फीडरों को सोलराइजेशन कराया जाएगा, जिनकी सम्मिलित क्षमता 2000 मेगावाट होगी। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यह नीति आगामी 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। नीति के अंतर्गत कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट इत्यादि जैसे विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, बायोकोल पैलेट्स और ब्रिकेट्स, बायोडीजल, बायोएथेनॉल की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई हेतु अनुदान पर सोलर पंप स्थापित कर लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 29,652 सोलर पंपों की स्थापना कराई जा चुकी है। प्रदेश के विभिन्न ग्रामों के गरीब परिवारों के घरों पर प्रकाश पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हेतु 1.93 लाख सोलर पावर पैक संयंत्र की स्थापना कराई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत लगभग 3.10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। आवास एवं शहरी नियोजन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के AHP घटक के अंतर्गत वर्तमान में 76 परियोजनाओं में लगभग
48,277 भवन निर्मित किए जा रहे हैं, इनमें से 22,718 भवन पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि अवशेष भवन मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाना लक्षित है। लखनऊ विकास विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 585 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्ताव है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्ताव है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1306 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वाराणसी गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। गोरखपुर नगर स्थित गौड़ धोइया नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा इंटरसेप्शन डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट संबंधी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 650 करोड़ 10 लाख रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। नगर विकास अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज की कुल 282 परियोजनाएं जिनकी कुल लागत 11,156 करोड़ रुपए है, में से पेयजल की 169 परियोजनाओं में 144 तथा सीवरेज की 113 परियोजनाओं में 77 पूर्ण परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय एक के अंतर्गत प्रदेश के 75 नगरीय निकायों में 89,21,000 टन लीगेसी वेस्ट एकत्रित था, जिसमें से 51,21,000 टन के लीगेसी वेस्ट का निस्तारण कर दिया गया है। शेष के निस्तारण हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में 17.62 लाख मकानों को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अंतर्गत लगभग 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को 27,748 करोड़ रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई। महाकुंभ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किया जाना है, जिसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। वर्ष 2022-23 में प्रावधानित 621.55 करोड़ रुपए के सापेक्ष आगामी बजट में 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था